हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपकी दोस्त शिप्रा आ गई हूँ फिर से नई वीडियो के साथ में। एंड देखिए, मैं अभी गाड़ी में हूँ बिकॉज मैं जा रही हूँ मार्केट शॉपिंग करने के लिए। तो आज मैं जाऊँगी सदर मार्केट मेरठ के, जो कि यहाँ पे काफ़ी फेमस है, सब लोग जानते होंगे जो मेरठ में रहते हैं। तो मैं मेरठ में सदर मार्केट में आ गई हूँ। एंड देखिए, मार्केट का व्यू मैं आपको दिखाती हूँ। ये इस मार्केट में इतनी भीड़ रहती थी कि बिल्कुल पैर रखने की जगह नहीं होती थी। तो मतलब, और बहुत ही अच्छी, काफ़ी अच्छी मार्केट है मेरठ की, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे। रौनक की तो कोई कमी इस बार भी नहीं है मार्केट में, एक से बढ़कर एक चीज़ें आई हुई हैं नई नई। बट भीड़ ठीक है, भीड़ इतनी नहीं है जितनी हमेशा होती थी, और ये एक अच्छी बात है। और जो लोग भी हैं सबने मास्क वगैरह पहने हुए हैं। तो मुझे चूड़ी खरीदनी थी तो मैं चूड़ी मार्केट आई हूँ। आप सदर मार्केट में एंट्री करोगे, उसके बाद काली माता की मंदिर का जो गली आती है उसके सामने से एक गली जा रही है, वहाँ से चूड़ी मार्केट शुरू हो जाती है। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी और बहुत वैरायटीज़ की चूड़ियाँ आपको मिल जाती हैं। तो आप देख ही सकते हो ये, जबकि मैं छोटी सी एक शॉप पे चढ़ी थी क्योंकि काफ़ी भीड़ थी दुकानों पे, तो जिस दुकान पे कोई नहीं था मैं उस पे आई। और ये ज़्यादा बड़ी दुकान नहीं थी, तभी भी इसमें इतनी सारी वैरायटी हैं बैंगल्स की। तो आप समझ ही सकते हो कि यहाँ पर काफ़ी अच्छी वैरायटी चूड़ियों की मिल जाती हैं। काफ़ी अच्छी चूड़ियाँ इनके पास थी, मैंने परचेज भी करी इनसे। तो मेरठ सदर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ से आप मतलब अपने ड्रेसेस वगैरह से लेके, मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। एंड अभी सीजन शुरू हो रहा है सर्दियों का, तो सर्दियों से रिलेटेड भी काफ़ी चीज़ें थी यहाँ पे। और देखिए, दिवाली का माहौल है, दिवाली का त्यौहार आ रहा है, तो डेकोरेशन की तो मतलब चीज़ें ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एंड ये कलरफुल फ्लावर्स टाइप में जो आती हैं आर्टिफिशियल, ये तो मतलब इतनी सुंदर थी कि इनको देखते रहो, बहुत ही ब्यूटीफुल। ये गेंदे फूल की लड़ियाँ और ये पिंक कलर और ये ग्रीन कलर, बहुत ही सुंदर, मतलब एक से बढ़कर एक, मतलब एक दूसरे को कंपेयर भी नहीं कर सकते, इतने ब्यूटीफुल इनके डिज़ाइनिंग थे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर चीज़ें आई हुई थी। और करवा चौथ की थालियाँ और करवे भी एक से बढ़कर एक, बहुत ही सुंदर। तो मेरे को तो कुछ ज़्यादा नहीं लेना था, तो मैंने जल्दी जल्दी अपना काम किया। एंड वही पूरी प्रिकॉशन लेकर हम लोग भी आए मास्क वास्क लगा के, एंड टाइम से अपना जल्दी निकल लिए, इधर उधर मार्केट में फालतू घूमे नहीं। तो देखिए, जो ज़रूरी काम है वो तो करने ही पड़ते हैं, क्या करें। तो अब सीज़न है ऐसा त्योहारों का, तो जाना भी पड़ेगा। पहले काफ़ी दिनों से हम लोग भी नहीं गए थे सदर वगैरह, आज काफ़ी दिन बाद में सदर गई। अभी फेस्टिवल्स आ रहे इतने सारे, तो शॉपिंग तो करनी पड़ेगी। बट ये है कि आप लोग भी जब जाएँ तो ध्यान रखें, प्रिकॉशंस लें, पूरा सेफ्टी के साथ में जाएँ। तो ठीक, तो मेरठ में ही आबू लेन एंड सदर मार्केट, दोनों मार्केट काफ़ी अच्छी मार्केट हैं। तो इधर मैं आबू लेन पे आ गई हूँ अब। आबू लेन काफ़ी अच्छी मार्केट है और काफ़ी अच्छी वैरायटीज़ मिल जाती हैं आपको, शूज़ और आपको ड्रेसेस वगैरह एंड मेकअप और सारी ही चीज़ें, मतलब जो भी आपको चाहिए वो सब मिलेगा। डब्लू के शोरूम है इधर, ऑरेलिया के हैं कुर्तीज़ के, एंड सभ्यता, बहुत सारे काफ़ी ब्रांड्स हैं यहाँ पे, मीना बाज़ार, बाटा, और जो भी आपको चाहिए सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। एंड इधर ही बिंदल्स भी पड़ता है एंड मुल्तानी भी। बिंदल्स को सभी जानते हैं मेरठ में, काफ़ी ब्रांड मिल जाती हैं बिंदल्स पे भी एंड मुल्तानी पर भी। और इधर शूज़, लोटो वगैरह सभी, मतलब काफ़ी चीज़ें इधर मुल्तानी भी है। देखो, आपको टैग दिख रहा होगा। तो इधर बच्चों के कपड़ों की शॉपिंग करने आती हूँ मैं अधिकतर मुल्तानी पर, एंड यहाँ पे अदर भी शोरूम है। हे गाइस, सोबी में आई हूँ अपने घर पर लौट के, एंड जो बची हुई शॉपिंग थी वो कंप्लीट करके लाई है। तो मुझे लगता है लेडीज़ की शॉपिंग कभी कंप्लीट नहीं होती। तो मुझे बैंगल्स लानी थी करवा चौथ पे पहनने के लिए, मैं लाई हूँ एक रेड और गोल्डन, आपको सारी दिखाती हूँ। रेड गोल्डन हाथ में पकड़ा हुआ है यार ये, और ये पिंक और ब्लू, और ये वेलवेट टच वाली हैं जो देखने में वेलवेट जैसी लगती हैं। और शीज़र ये फेक नेल्स लाई, इसको पता नहीं क्या क्या चीज़ें देखती है, और इसको फिर मन करता है लेने के लिए। तो देखो, अगर आप भी चूड़ियाँ ले रहे हो ना, अगर आपने नहीं ली हैं या फिर ले भी रहे हो आगे के लिए भी, तो आप जो प्लेन चूड़ियाँ लेते हैं ना, ये वेलवेट टच वाली लो यार, इनको देखने में बड़ा मजा आता है। ये बहुत ही क्लासी सी और बहुत ही अच्छा लुक देती हैं। और फिर आप इसके बीच में गोल्डन या कुछ भी कड़े वगैरह लगा के एक सेट बना सकते हैं। तो मैंने तो ऐसी डाल ली क्योंकि मैंने इसको पहन के भी मीठा कुछ खाया। मैंने आपको बताया था ना कि मम्मी ने बताया ला के कुछ मीठा खा लेना। गंदी खा दूंगा इसको। हाँ, दिखाओ ये सक्षम की गन है। तो सक्षम को गन और गाड़ियाँ बहुत पसंद है। एंड आज देखो, घर का लुक कुछ अजीब हो रहा है क्योंकि सारे कर्टेन धुलने के लिए डाले हुए हैं एंड चूड़ियाँ पहन के हाथ बहुत अच्छे लगते हैं। सही लग रहा है। बहुत ही बढ़िया। तो आपने भी बैंगल्स वगैरह खरीद ली, और मैं अभी बिंदिया लाई हूँ और सिंदूर लाई हूँ, मतलब वो बेसिक चीज़ें जो चाहिए होती हैं
करवा चौथ में मम्मा वो सब। सो गाइस अगर आप भी चूड़ियाँ खरीद रहे हैं, आपको प्लेन में चूड़ियाँ चाहिए ना, तो ये जो वेलवेट टच वाली चूड़ियाँ होती हैं ये काफी अच्छी मतलब काफी क्लासी सी लगती हैं। अगर आपको लगता है कि आपको चूड़ियाँ खरीदनी है प्लेन में चाहिए स्पेशली, देखिए प्लेन चूड़ियाँ ना आप किसी भी गोल्डन सिल्वर किसी भी कड़ों के साथ लगाओ तो उसको लगाने के बाद में एक बड़ा अच्छा सा चूड़ी का सेट बन जाता है। तो मैं तो अधिकतर ऐसे ही लाती हूँ, कुछ गोल्डन चूड़ियाँ ले आती हूँ या कुछ कड़े वगैरह ले आती हूँ, फिर अपने आप बनाती हूँ। शॉप वाले बना के देते तो हैं आपको चूड़ियों का सेट, बट पता है वो इतनी ऊंची रेंज तक पहुँचा देते हैं कि वो 1500 से नीचे तक आपकी चूड़ियाँ देते नहीं है दोनों हाथों की। हमेशा आप भी ट्राई करना, वो ऐसे ही करते हैं। और अगर आप अलग से चूड़ियाँ लेते हो ना कुछ कुछ कलर्स की जो आपको चाहिए और फिर उसमें एक गोल्डन डब्बा ले लेते हो तो उसको मिला के आप किसी भी ड्रेस के साथ में मैच करके पहन सकते हो, तो एक अच्छा आइडिया है, अफोर्डेबल भी पड़ जाती हैं चूड़ियाँ और ठीक रहता है। तो ये वाली चूड़ियाँ मुझे याद है, जब ये गोल्डन वाली चूड़ियाँ जो मैं लाई हूँ मेरी शादी के टाइम पे 80 रुपीज़ का डब्बा आता था एंड अभी ये बहुत महंगा हो गया, 200 का ही डब्बा मिला है मेरे को। एंड मैं चूड़ी मार्केट से ही लाई हूँ जो यहाँ मेरठ में, एंड ये वाली चूड़ियाँ मेरे को बहुत अच्छी लगी रेड वाली, एंड जो रेड वाली है उसी में से ये ब्लू और पिंक भी है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये वेलवेट टच वाली है सारी। तो आप भी अगर चूड़ियाँ खरीद रहे हो ना और किसी पार्टी वियर के लिए, या फिर आप प्लेन भी एक हाथ में ऐसे भी पहनेंगे तभी भी बहुत अच्छी लगेगी। तो करवा चौथ तो त्यौहार ही है चूड़ियों का, सिंदूर का, बिंदी का, मेहंदी का, तो चूड़ियाँ खरीदनी तो बहुत ज़रूरी होती हैं। तो मैं भी अभी चूड़ियाँ खरीद के आई हूँ अपनी, और कुछ और मैंने कुछ अपनी साड़ियाँ निकाली, साड़ियाँ ना मैं बहुत कम पहनती हूँ एक्चुअली, तो मैं परचेज भी कम ही करती हूँ एंड मैं उसके बदले ड्रेसेस खरीद लेती हूँ कभी, मैं कुछ गाउन वगैरह खरीद लेती हूँ कुछ, मतलब इस तरह का कुछ ज़्यादा जो मुझे कंफर्टेबल लगे पहनने में इजी हो। तो मैं सोची थी साड़ी पहनती हूँ तो मैंने साड़ियाँ निकाली अपनी, बट साड़ियों के ब्लाउज की फिटिंग ना अजीब हो जाती है, कुछ अलग हो जाती है, क्योंकि मेरी जो साड़ियाँ हैं अभी ऐसा मतलब हाल फिलहाल में खरीदी कोई नहीं है। तो इस बार पता नहीं क्यों मेरा मन था कि मैं अपनी सगाई की साड़ी पहनूँ, मतलब सगाई जो मेरी रिंग सेरेमनी हुई थी जब मैंने जो साड़ी पहनी थी तो वो वाली तो काफ़ी हैवी होती है सभी लोगों की, तो मेरा मन ऐसा हो रहा था पता नहीं कि मैं रिंग सेरेमनी वाली साड़ी पहनूँ, वो मैंने निकाली, बट यार उसका ब्लाउज मेरे को नहीं आया। मेरे को याद है उस टाइम में बहुत पतली दुबली थी बहुत स्लिम थी मैं उस टाइम पे ना, और कितने टाइम पहले की बात हो गई, 10 साल पहले की बात हो गई। लेकिन फिर भी कभी कभी होता है ना कि हम अपनी शादी का कुछ पहने, अपनी सगाई का कुछ पहने, तो लेकिन वो साड़ी आज भी बहुत प्यारी लगती है। तो मेरा मूड था कि मैं अपनी सगाई वाली साड़ी पहनूँ, निकाल के देखी बट ब्लाउज नहीं आया तो बड़ी टेंशन वेंशन हो गई, फिर गाउन भी निकाला। तो देखती हूँ दोनों में से क्या पहनती हूँ करवा चौथ पे, और एक ब्लाउज लाई हूँ तो ये मैं कुछ स्ट्रेचेबल वाले ब्लाउज लाई हूँ, देखूँ कैसे होते हैं। मैंने उसको बोला है कि भैया मुझे ठीक नहीं लगे तो उसको चेंज करना आप, तो ये मैं मेरठ सदर मार्केट से लाई हूँ, तो ये स्ट्रेचेबल वाले ब्लाउज हैं और वो काफ़ी ट्रेंड में बता रहे हैं कि मैं ऑनलाइन भी काफ़ी देख रही थी, तो काफ़ी ट्रेंड में ये ब्लाउजेस चल रहे हैं। तो एक ब्लैक मेरे को एक साड़ी है उसमें ब्लैक चाहिए था, और ये कुछ गोल्डन सा उसने दिया है, लेकिन मेरे को ये गोल्डन वाला कुछ अजीब लग रहा था, लेकिन उसने मुझे ज़बरदस्ती दिया कि दीदी पहन के देखो ठीक लगेगा तो ठीक है, नहीं तो वापस कर देना। लेकिन मेरे को ना ये चीज़ें कुछ पता नहीं यार पहन के कैसी लगी, क्योंकि मैं कुछ इस टाइप की चीज़ें कम ही पहनती हूँ। तो चलिए लाई हूँ तो कुछ ट्राई करके देखती हूँ, मे भी सही लगे, नहीं लगा तो फिर वापस करके आऊँगी। तो आप लोगों का क्या चल रहा है दोस्तों, शॉपिंग वॉपिंग हो गई एंड कितना प्यारा त्यौहार आने वाला है, मेहंदी लगाएंगे, तो जब मैं सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी एंड मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो चलिए सारी चीज़ें आपसे शेयर करती चलती हूँ, तो मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। एक लाइक कर देना मेरे को भी, कर क्या रही हो श्रीजा तुम, सारा ये फेक नेल्स लाई है और इसने ये लगाए झूठी गई की नकली नेल्स, झूठी गई की नकली नेल्स। तो ये सही से स्टिक होगा इससे, तो देखो इसमें ना दिखाओगे क्या क्या है, इसके वाला ग्लू दिया होता है, इसके साथ में ग्लू है एंड ये नेल्स हैं, तो इसको पता नहीं बनाती रहती है इसको, पहले इसके बाद नेल आर्ट था पूरा, इसके बर्थडे में गिफ्ट मिला था, तो इसको यूज करते हैं, आप भी ले सकते हो। अभी बस 10 रुपीज का है तो मैंने सोचा चलो 10 रुपीज का तो दिला देती हूँ, क्योंकि मेरे पीछे बहुत दिनों से पड़ी हुई थी, अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा था
वो 200 कुछ का था और उसमें बहुत सारी नेल आर्ट थी, वो मैंने इसको दिलाया नहीं था। और अभी ये 10 रुपीज का तो मैंने सोचा चलो दिला दो, इसका शॉपिंग पूरा हो जाएगा, और 10 रुपीज में तो कोई बात ही नहीं है। इसको बहुत मजा आ रहा है, ये बहुत तगड़ी गन है, टूटते ही नहीं, टूटती नहीं है, इसलिए दिलाई है। मैं कंजूसी में आ रही हूँ, देखो यहाँ से टूटती है बस। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं फिर नए ब्लॉग में, बाय बाय।